फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीइंग ब्यूटीज विद अदिति। आज हम बात करेंगे नेचुरल मॉइस्चराइजर के बारे में जो हमारी किचन में मौजूद होते हैं। स्किन पर ग्लो लाने के लिए और निखार लाने के लिए इसे मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मॉइस्चराइजर की ज़रूरत सिर्फ सर्दियों में होती है, मगर ऐसा नहीं है। गर्मियों में भी त्वचा को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि नमी की कमी होने पर आपको रिंकल और ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके किचन में मौजूद हैं त्वचा को ग्लोइंग और मॉइस्चराइज करने वाली कई चीज़ें। उनमें से एक है खीरा यानी कुकुम्बर। खीरा में 90% से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और ई होता है। खीरा खाना जितना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही फायदेमंद त्वचा पर इसका प्रयोग है। खीरे को फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद दो पतले स्लाइस काटकर आँखों पर रखने से आँखों के नीचे के डार्क सर्किल और रिंकल्स से छुटकारा मिलता है। खीरे को इस तरह से काट करके ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेते हैं। इसके बाद इसमें 1 स्पून हनी ऐड करते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर लगाना है। गर्मियों के लिए ये एक बेहतरीन फेस मास्क है जो चेहरे पर निखार लाता है। यह फेस मास्क बहुत ही इफेक्टिव है। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट्स है मलाई यानी मिल्क क्रीम। मलाई एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जिसका यूज बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। लैक्टिक एसिड त्वचा से डेड स्किन सेल्स को निकालता है और नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे आपकी त्वचा ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत नजर आती है। मलाई को अपने फेस पर 10 मिनट तक लगा कर रखें। उसके बाद चेहरा पानी से धो देना है। आप चाहें तो रात में सोने से पहले चेहरे, गर्दन और हाथों पर मलाई लगाकर सो सकती हैं। हमारा थर्ड इन्ग्रीडियंट्स है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। कोकोनट ऑयल त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कोकोनट ऑयल में कोलेजन की मात्रा बढ़ाने वाला लॉरिक एसिड होता है, जो त्वचा में गहराई तक जाकर त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। हमें अपने फेस पर इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए लगाना है। इसको हम नाइट में मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं। हमारा फोर्थ इन्ग्रीडियंट्स है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल काफ़ी समय से मॉइस्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑलिव ऑयल हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें नेचुरल एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को निखारने में और यंग बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इसे हम लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदों के साथ मिला करके स्किन पर लगा सकते हैं। इससे हमारी स्किन सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएगी। हमारा फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स है बटर मिल्क। बटर मिल्क हमारी किचन में मिलने वाला ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत से एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, न्यू सेल्स बनाता है, जो हमारी स्किन को यंग और फ्रेश लुक देता है। बटर मिल्क इस तरह से कॉटन की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक पतली क्लॉथ को चिल बटर मिल्क में डिप करें और अपने फेस पर 5 से 10 मिनट तक रख लें। उसके बाद रिंस करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।